हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के सिविक्स का ये चैप्टर है हमारा 7, जो कि बुक का लास्ट चैप्टर है आपका सिविक्स का। ठीक है, इसका हेडिंग है आपका सामाजिक समस्याएं। तो आज हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला। इसके पहले आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, पहले हम लोग उसकी सोल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। बाल विवाह सामाजिक कुरीति है। कानूनन लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष है। ठीक है, लड़के की जो विवाह की आयु है वो कम से कम 21 होनी चाहिए और लड़कियों की कम से कम 18 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फेल इन द ब्लैंक्स थे। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट सारी चैप्टर वाइज बिल्कुल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो बाल विवाह, पहली बात कि बाल विवाह कहते किसको है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। देखिए, लड़की की उम्र 21 साल से कम और अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम हो और उनका विवाह करा दिया जाए तो वो जो है बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो यही है बाल विवाह। अब क्योंकि बाल विवाह जो है वो एक कानूनन अपराध है ना, तो इसलिए उसको रोकने के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, यानी अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन पे क्या कुछ हो सकता है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चलिए कि क्या है वो प्रावधान। तो सबसे पहले है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है कि बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की का विवाह क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाए। ठीक है, यानी लड़के का उम्र 21 साल से कम हो और लड़की का उम्र अगर 18 साल से कम हो तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर है कि बाल विवाह को कानून में अपराध माना गया है, ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाल विवाह अपराध है, तो अगर ऐसी घटना होती है यानी बाल विवाह अगर कराया जाता है तो जो भी व्यक्ति के करा रहा है उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, अगर लड़का या लड़की जो भी है उसके अगर माता पिता इस विवाह में सहायता प्रदान करते हैं संयोजन में, तो वे भी दंड के भागीदारी होंगे। ठीक है ना, यानी उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, फिर है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, किसके पास, तो प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास। फिर है कि झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बाल विवाह संबंधी शिकायत की जा सकती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO। ठीक है, BDO से जो है हम लोग जो है बाल विवाह के संबंधी जो शिकायत होती है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोग जो है नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नशाखोरी के दुष्प्रभावों को लिखिए। नशाखोरी के दुष्प्रभाव निम्न है। ठीक है, नशाखोरी यानी जो नशा करते हैं तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। दुष्प्रभाव यानी कि बैड इफेक्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एकाग्रता में कमी आएगी, यानी अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो कम रिड्यूस होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, स्मरण शक्ति में कमी आएगी, यानी कि आपका मेमोरी भी जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको याद नहीं रहेगी बातें। ठीक है, स्वयं पर नियंत्रण कम होना। ठीक है, यानी आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होगा। स्वच्छता में कमी,
आप मतलब स्वच्छ नहीं रहेंगे, शरीर का वजन कम होना, शरीर का वजन जो है इसमें कम होने लगेगा, ठीक है, वेट लूज होता जाएगा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होंगी और अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होगा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि जो भी नशा करते हैं वो अधिकतर अपराध में संलग्न होते हैं ना, तो इसीलिए इससे अपराधी प्रवृत्ति का भी जन्म होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, ये मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो मानव तस्करी के तरीके निम्न है। पहला है प्रलोभन देकर, यानी आप कुछ लालच दे करके मानव तस्करी कर सकते हैं। दूसरा है धमकी द्वारा, ठीक है, यानी धमकी देकर, डरा धमका करके। उसके बाद जबरन बल प्रयोग द्वारा, यानी कि किसी को जबरन ही उठाना और जाके कहीं बेच देना। ठीक है, उसके बाद अपहरण करके, यानी आप उसका अपहरण करके भी मानव तस्करी कर सकते हैं, और धोखे से, ठीक है, यानी उसको बिना बताए, उसको पता ही नहीं लगे कि क्या होने वाला है और पता चला कि उसका जो है मतलब उसको कहीं बेच दिया गया। ठीक है, मानव तस्करी मेनली यही है। ठीक है, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं मानव तस्करी के, आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे तरीके को जानेंगे कैसे होता है मानव तस्करी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि बाल श्रम क्या है। ठीक है, बाल श्रम क्या है, तो 2 से 14 साल के बच्चों का धन अर्जन के लिए काम करना ही बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, यानी 2 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनका मतलब कि धन कमाने के लिए जो काम करना होगा तो वो जो है बाल श्रम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं, उस एज में बच्चे खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, वो सबके उन लोगों की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं होती है, लेकिन जबरन मतलब अगर उन्हें काम करना पड़े तो इसलिए उसे बाल श्रम की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाल विवाह को कानून में अपराध माना गया है, क्या आप भी इसे एक अपराध मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण लिखिए। ठीक है, बाल विवाह एक अपराध है क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव लड़के एवं लड़कियों दोनों पर पड़ता है। ठीक है, बाल विवाह जो है एक अपराध है, क्यों? क्योंकि जो इसका नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट लड़का और लड़की दोनों पे ही पड़ता है। इसके फलस्वरूप उनके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, शिक्षा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी उसका उन लोग का जो है बॉडी का भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, स्वास्थ्य में भी बुरा प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्थिति में भी, भावनात्मक स्थिति और शिक्षा, ये सारी चीज़ों में जो बैड इफेक्ट पड़ता है ना। कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वे प्रायः कमज़ोर होते हैं। ठीक है, यानी आप कम एज में अगर किसी लड़की की शादी कर दो तो उससे जो बच्चा होगा तो वो क्या होगा कि मतलब कमज़ोर होगा। ठीक है, अच्छा नहीं होगा। इसका एक दुष्प्रभाव यह भी होता है जिससे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है। ठीक है, अब चूंकि बच्चा कमज़ोर है, अगर बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं है तो उससे मृत्यु दर भी बढ़ती है ना, और कम उम्र की लड़कियां माँ बनने के दायित्व का निर्वहन भली भांति नहीं कर पाती है। ठीक है, अब आप मान लो एक बच्चे की शादी करा दो और उसका बच्चा हो जाए तो वो क्या माँ मतलब माँ का जो भी फर्ज है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि वो तो खुद ही अभी इतनी छोटी है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा इसका बैड इफेक्ट है, इन्हीं सारे कारणों से बाल विवाह जो है अपराध माना गया है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण से जो बाल विवाह है वो एक अपराध माना गया है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव तस्करी जो है मानवता के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है, यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है। इसमें क्या होता है कि मनुष्यों का ही व्यापार होता है, यानी मनुष्यों की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, देह व्यापार या बाल श्रम आदि गैर कानूनी गतिविधियां शामिल होती है। मतलब आप किसी भी पर्सन को कोई भी कहीं ले जा करके बेच देगा। अब बेचने का क्या क्या मोटिव हो सकता है, तो देखिए उससे हो सकता है ज़बरदस्ती कुछ मतलब गलत काम कराया जाएगा, है ना, उसके बाद उसके हो सकता है कि बॉडी पार्ट्स को निकाल करके बेच दिया जाए। ठीक है, और उसे बाल श्रम कराया जाए, यानी जो बच्चे हैं अगर उसको बेच दिया जाता है, उससे ज़बरदस्ती काम लिया जाए। ठीक है, देह व्यापार, अगर लड़कियां हैं उनसे देह व्यापार कराया जाए, तो ये सब जो है इसका मोटिव होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है इसको करने का। तो इस तरह के अपराध में ज़्यादातर बच्चों और औरतों की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, तो यही है मेनली मानव तस्करी। ठीक है, तरीके तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिए थे क्या क्या तरीके थे इसके। अब है अगला कि बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। बाल श्रम,
बाल श्रम क्या है? पहले तो ये बात है कि बाल श्रम है क्या। बाल श्रम यानी कि 2 साल से 14 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो है धन अर्जन के लिए जो काम कराया जाता है, ठीक है, तो वो है बाल श्रम। अब उसको दूर हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कोई 3 सुझाव हमें यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए, बाल श्रम को दूर करने के लिए 3 उपाय निम्न है। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, जनसंख्या में लगातार वृद्धि से महंगाई में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोगों को बाल श्रम के लिए विवश होना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि जो महंगाई है वो भी बढ़ेगी, है ना। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो है मतलब कि डिमांड है वो बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो उस समय किसी को भी अपना परिवार चलाना मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे वो लास्टली, अगर मान लीजिए कि जो भी उस घर का पिता होगा अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी जो है काम पे लगा देगा ताकि उससे भी कुछ पैसे हो जाए, है ना। तो ये सब देखिए मतलब कि बहुत टाइम होता है कि देखिए कोई भी चाहता तो नहीं है, लेकिन ये विवश होकर के ही ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये सब कुछ रीज़न है, ठीक है। तो इसलिए देखिए विवश होना पड़ता है बाल श्रम के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर। तो इसलिए अगर हम लोग जनसंख्या पे ही कंट्रोल करेंगे तो इससे महंगाई कम होगी और इससे बाल श्रम में भी कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा, लोगों में शिक्षा का अभाव है तथा जागरूकता की भी कमी है जिसके कारण बाल श्रम बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है, ठीक है। थर्ड नंबर है गरीबी को दूर कर, ठीक है। देखिए गरीबी की परिस्थिति में लोग बाल श्रम के लिए मजबूर होते हैं, अतः हम गरीबी को दूर कर बाल श्रम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा गरीबी है तो वो क्या करेंगे, उस परिस्थिति में उन्हें जो है अपने बच्चों को भी काम पे लगाना पड़ जाता है, जिसके कारण जो है वो लोग बाल श्रम के लिए विवश हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग गरीबी को दूर करके भी बाल श्रम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे बाल श्रम को दूर करने के, ये आपका पूरा चैप्टर था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।